नमस्कार, मैं नरेश सिंगल। आज हम जो चर्चा करेंगे थोड़ा सा उसमें तीन चीज़ों का मिश्रण होगा। जैसे नंबर वन हम ड्राइंग रूम की बात करेंगे, नंबर टू डाइनिंग की, और नंबर तीन जो उसमें माइनर सा किचन की भी बात करेंगे। घर छोटे होते हैं तो ड्राइंग कम डाइनिंग इकट्ठा ही बनता है और वो किचन के नज़दीक होता है। तो उसमें हम जो ड्राइंग कम डाइनिंग है उसकी हम जो बात कर रहे हैं कि खाना जो हम खाएं डाइनिंग टेबल के ऊपर वो कैसा होना चाहिए। डाइनिंग टेबल आपने जो बाज़ार में जो अवेलेबल है या तो गोल हैं या स्क्वायर हैं या रेक्टेंगल हैं या ओवल शेप में है, यही तीन चार तरीके के आपको बाज़ार में मिलते हैं। तो जहाँ तक हो सके खाना जो है सब इकट्ठे बैठ कर के खाएं। हो सके तो किसी की 5-10 मिनट इंतज़ार करनी पड़े तो वो कर ले, पहले इकट्ठे खाना को रख ले फिर इकट्ठे होकर के खाएं। ये नहीं कि घर में से एक प्राणी, खास करके हम देखते हैं कि बाकी सब बैठ जाते हैं, जो घर में जो माँ है या हाउस वाइफ है वो सबको खाना सर्व कर रही है, वो एक वास्तु दोष कहलाता है। क्योंकि वो केवल उसका एक खाना की ड्यूटी से बन जाती है, एक काम सा हो जाता है। यदि मिलके खाते हैं तो हमारे में एक प्रेम, एक अंडरस्टैंडिंग, एक मधुरता बढ़ती है। तो उसके लिए एक जो है, पहले जो लोग खाना खाते थे वो किचन में खाते थे, किचन जो है बैठ के खाते थे, तो उसके लिए वो, अब तो ऐसा होता नहीं। अब उसमें भी जो बात आती है कि डाइनिंग टेबल में किस दिशा में बैठ कर खाएँ, आप किसी भी दिशा में बैठ कर के खाएँ, केवल दक्षिण की मुख करके खाना न खाएँ। अब बात ये आती है कि डाइनिंग टेबल में तो चारों तरफ से चेयर होती है, तो कोई एक चेयर तो ऐसा होगी होगी जिसका जो साउथ फेस करेगी, तो वहाँ क्या करें, इसका मतलब उस टेबल को छोड़ दें। यदि हो सके तो उस चेयर को अवॉइड कर सकते हैं तो कर दीजिए, यदि फिर भी आपको बैठना ही है तो कम से कम इस ढंग से सेटिंग बैठाइए कि जो घर का मुखिया है वो कम से कम दक्षिण या साउथ फेस करके खाना ना खाए। अब बात आती है कि हम जो भी खाना खाते हैं, यदि हम सात्विक भोजन जिस दिन हमने बनाया तो कम से कम वो खाना तो हम भगवान को अर्पित करें या माँ अन्नपूर्णा देवी को अर्पित करें, या कोई एक दिन विशेष रख लीजिए, जिस भी देवी देवता में आपकी निष्ठा हो, जो भी आपके इष्ट देव हों, उनको आप उसका भोग जरूर लगाइए। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि खाने को खाना समझ के ना करके प्रसाद समझ के खाएंगे तो आप उसका वैज्ञानिक तौर पर भी और प्रैक्टिकल भी आपको ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा और अच्छा लगेगा और सेहत के लिए भी फायदेमंद रहेगा। अब कि हम डाइनिंग टेबल ड्राइंग रूम में रख रहे हैं तो किस हिस्से में रखें, वो इस ढंग से रखें कि वो सोफा सेट से दूर हो, यानी एकदम सोफा भी पास में लगा हो और वहीं डाइनिंग टेबल भी लगी हुई है, ऐसा ना हो। यदि ऐसा होता है तो वहाँ पर हमारे साइकोलॉजिकली एक रुकावट सी लगती रहती है, यानी हम खाना खाते समय हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं और वो एक वास्तु दोष माना जाता है। जब हम खाना जब खा रहे हैं तो वह सुकून से, तसल्ली से, आराम से खाएं, उसके लिए वो बहुत ध्यान देने वाली बात है। और वो डाइनिंग टेबल ऐसी नहीं हो जो कि पैसेज में आती हो, रास्ते में आती हो, ऐसा भी ना होना चाहिए। भले ही आप 8 लोगों की डाइनिंग टेबल से हटके 4 लोगों की रख लीजिए, 6 लोगों की रख लीजिए, वो ज़्यादा ठीक है। उसमें जो लाइट सिस्टम है, क्योंकि ड्राइंग रूम में है, उसमें लाइट सिस्टम जो है बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, मध्यम सा होना चाहिए, ठीक ठीक होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, एक चकाचौंध भी नहीं होनी चाहिए और एकदम डल भी नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और जहाँ तक भी हो सके स्टील के बर्तन अवॉइड कीजिए। हमें पता नहीं होता, जाने अनजाने हम स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते हैं और वो एक स्टील मतलब लोहा, यानी जिन लोगों के शनि में कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है तो हमें पता नहीं होता हमारे, हमें कांच के बर्तन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। वो किसी की डेट ऑफ बर्थ कैसी भी हो, कैसा भी रहे, उसके लिए वो सूटेबल रहेगा। तो इसी प्रकार कई चीज़ें हमें ध्यान रखने की होती हैं जो हम रख सकते हैं। एक ड्राइंग रूम डाइनिंग और उसके बीच में किचन में सर्विस विंडो बना लेते हैं, वो सर्विस विंडो कभी नहीं बनानी चाहिए। सर्विस विंडो जो है हमेशा वहाँ पर डिस्टर्ब करते हैं।